इधर दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने योगी सरकार के प्रदेश में निवेश के दावों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को यह भी बताना चाहिए कि पहले जो निवेश हुए उसमें जो एमओयू साइन हुए थे उनमें से कितना निवेश जमीन पर उतरा और कितने लोगों को रोजगार मिला है। उन्होंने कहा कि इन्वेस्टर्स समिट केवल चुनाव की तैयारी है, बीजेपी की सरकार जनता को धोखा दे रही है, कुछ दिन चमक दमक दिखेगी, जमीन पर कुछ होगा नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि प्रदेश में निवेश के लिए 16 देशों में रोड शोज किए गए हैं जिससे 7,12,000 करोड़ के निवेश का रास्ता साफ हुआ है। मुख्यमंत्री योगी ने अब जिलों में भी इस तरह के इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन करने के लिए जनप्रतिनिधियों को निर्देश दिए हैं। मैंने कन्नौज का एक अखबार पढ़ा, हो सकता है हर जिले में इसी तरह का सरकार प्रयास कर रही हो, जो वहां के कारोबारी ने अपने हिसाब से जो काम शुरू किए, कोल्ड स्टोर बनाया या कोई और रोजगार या कारोबार किया, उसका भी इन्वेस्टमेंट में पार्ट बना दिया। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि दुनिया से इन्हें इन्वेस्टमेंट न मिल रहा हो। हमारे यहाँ जो स्वयं उद्योगपति या कारोबार करने वाले जो समय समय पे काम करते हैं उसको भी इन्वेस्टमेंट में शामिल कर दिए हों। सरकार को ये बताना चाहिए कि पहले इन्वेस्टमेंट में आखिरकार कितना जमीन पर पैसा आया है, उतरा है। इसलिए मैं एक बार फिर, क्योंकि और जाने क्या क्या पूछोगे, अभी इन्वेस्टमेंट मीट पे मैंने कहा है कि सरकार जहां इन्वेस्टमेंट की बात कर रही है वहीं सरकार को यह भी बताना चाहिए कि पहले एमओयू हुए थे उसको कितना जमीन पर उतारा और किस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत क्या इंसेंटिव देकर के आप उद्योग ला रहे हैं। जब आपके पुराने एमओयू जमीन पर नहीं उतरे हैं तो नए एमओयू जमीन पर कैसे उतरेंगे और फिर नया इंसेंटिव क्या दे रहे हो आप? ये केवल चुनाव की तैयारी है, जनता को धोखा दे रहे हैं। और जब लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट बता रहे हैं तो ये बताएं कि इतने इन्वेस्टमेंट के आने से कितना रोजगार सृजन होगा, आखिरकार रोजगार सृजन कितना होने जा रहा है। और पहले जो घोषणा पत्र में लिखा था करोड़ों रोजगार नौकरी, उसका क्या हुआ? इसलिए आप भी कंफ्यूज मत होइए, आपको बहुत अच्छा पैकेज।